इधर राजधानी पटना में हुई रुपेश हत्याकांड मामले में पटना पुलिस भले ही एक्शन में दिख रही हो, लेकिन पुलिस अभी तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। बताया जा रहा है कि अपराधी पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि पुलिस को इस मामले में कुछ लीड तो मिली है, जिसके आधार पर पुलिस जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करेगी। दो दिनों बाद भी अपराधियों का नहीं पकड़ा जाना विपक्ष के लिए भुनाने का एक नया मुद्दा मिल गया है। लगातार विपक्ष सूबे में बिगड़ती विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर लावर है। इधर मामले से जुड़े पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस काम कर रही है और अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार अपराध के मामले में 23वें स्थान पर है और इसके बारे में पूरी जानकारी पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लेकिन उसको मौका नया डीजीपी ने उसको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के और टीम बनाकर जो लगे हुए हैं, तो एक बात तो है अपराध हुआ है, लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए।